बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राणा तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग क्या होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है AI, ML और DL को लेके कि बेसिकली हमारे पास ये क्या टॉपिक्स हैं और क्या हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करने जा रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है। और मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हम बहुत सिंपल से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट करते हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपको एक विन डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप फील कर रहे होंगे डिफरेंस एक डायग्राम को देखे, और आपको आइडिया हो चुका होगा कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बेसिकली इस यूनिवर्स में आप ये कह सकते हैं कि कहाँ पर रिजाइड कर रही है, राइट। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट से बात करें तो राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो बड़ा सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इतना तो हमें श्योर हो गया कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से ऊपर होती है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मशीन लर्निंग है ये सब पार्ट है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर हम बात करें डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग किसके अंडर आ रहा है, हमारे पास मशीन लर्निंग के। दैट मीन कि हमारे पास जो डीप लर्निंग है ये मशीन लर्निंग का सब पार्ट है। वी कैन से दैट कि हमारे पास जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अम्ब्रेला है उसके अंडर आते हैं, राइट। मतलब हमारे पास मशीन लर्निंग सब टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एंड डीप लर्निंग सब टाइप है मशीन लर्निंग की, राइट। कितनी हमें समझ आती है। और अब हम समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, राइट। इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो चलें हम मूव करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक कह लें या टेक्नोलॉजी कह लें, तो ये गलत नहीं होगा कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताते खुद कुछ नहीं है, ये एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश करती है। जैसे कि आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता चलूँ और आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि हमारे पास आप जो YouTube है इसको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते होंगे, और इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट एल्गोरिदम्स वर्क कर रहे होते हैं, जो कि रिकमेंडेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप लेक्चर्स मेरे देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5-7 मेरे लेक्चर्स देखे, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट मतलब कि यूट्यूब वो कर लेगा, मिमिक कर लेगा कि इस पर्सन का ये वाला इंटरेस्ट है, और इस रिलेटेड ये ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड ये पर्सन वीडियोस देख रहा है, तो इसको मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड ही वीडियो रिकमेंड करनी चाहिए। रिकमेंडेशन सिस्टम अमेज़न वगैरह या बाकी जो जितनी भी ये वेबसाइट वगैरह हैं जो वेल नोन है, उसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। मैंने आपको जो बेस एग्जाम्पल दी है, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी है यूट्यूब की, कि उसमें जो रिकमेंडेशन सिस्टम है बेसिकली वहां पे आपके पास जो AI इन्वॉल्व है, जो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो वीडियोस है वो क्या करती है, रिकमेंड करती है। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं ताकि आपका थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़े। जैसा कि लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या एक टेक्निक है दैट मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क लाइक लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे एक इंसान लर्निंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और डिसीजन मेकिंग करता है, सिमिलरली AI टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। आप छोटे से एक बच्चे की एग्जाम्पल लें, जो कि न्यूली बोर्न बेबी हो, आप कह सकते हैं कि छोटा बच्चा है, जब वो जैसे जैसे ग्रो अप होता है, हम क्या करते हैं बेसिकली, आप उस बच्चे के माइंड के साथ आप थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करें, कि जैसे उसे हम समझाते हैं कि देखें बेटा, ये इसको एप्पल कहते हैं, इसको कैट कहते हैं, इसको डॉग कहते हैं। इनिशियली उसको कैट और डॉग में शायद डिफरेंस नहीं नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा कैट्स को देखेगा, ज्यादा डॉग्स को देखेगा, तो एक्चुअली वो क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा, उसे आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि दिस इज एक्चुअली कैट, दिस इज एक्चुअली डॉग, तो वो डिफरेंस करना शुरू हो जाएगा। या हम चेरी और आप जो है आपके पास टमाटर होता है,
उनमें डिफरेंस करवाने की कोशिश करें तो इनिशियली हो सकता है उसको दोनों को वो रेड समझे और उसको ना समझ आए। तो ये चीजें होती हैं कि बेसिकली हमारे पास जिस तरह एक बच्चा लर्न करता है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी भी जो डेटा जैसे जैसे उसके पास आता जाता है वहां से वो क्या करती है, लर्न करती है और अपनी बेटरमेंट की तरफ मूव करती है। इट इनेबल मशीन टू अंडरस्टैंड, अडॉप्ट एंड इम्प्रूव एज द प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे जैसे मतलब के जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है, जैसे जैसे उसके पास डेटा आता है हमारी मशीन बेटर होती जाती है और अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर देती है। या आप बहुत सिंपल अगर सिर्फ डेफिनेशन आप करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्निक दैट मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, और छोटी सी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रिकमेंडेशन सिस्टम, आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम मूव करते हैं मशीन लर्निंग की तरफ कि बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग को समझाने से पहले मैं छोटी सी एक पाइपलाइन आपको समझाता हूँ, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी और जब ये थ्योरी हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मजीद क्लियर होगा। देखिए, मशीन लर्निंग बेसिकली हमारे पास, हम मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जिसपे हम जो मॉडल होता है या ML एल्गोरिदम होते हैं मशीन लर्निंग के, उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और वो जो भी हम डेटा हम देते हैं ML एल्गोरिदम्स को, वो उस पर क्या होता है, ट्रेन होता है और ट्रेन होने के बाद वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। जैसे कि हमारे पास कैट्स एंड डॉग्स का डेटा था, हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन किया पहले कि अगर ऐसा डेटा आएगा तो इसको आपने कैट कहना है, अगर ऐसा डेटा आएगा तो उसको आपने क्या कहना है, डॉग कहना है। जैसे कि हम फीचर्स की बेस पे इसमें डिस्टिंग्विश करते हैं ना, आपके सामने एक डॉग आए और एक कैट आए तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे आप उसमें क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि दिस इज एक्चुअली डॉग एंड दिस इज एक्चुअली कैट। उसके जो एयर स्टाइल है, नोज है, उसकी आईज है, उसका जो फेस स्टाइल है, इससे आप उसको डिटरमाइन कर लेंगे कि एक्चुअली दिस इज कैट एंड दिस इज डॉग। सिमिलरली हमारी मशीन भी डिफरेंट डेटा पे पहले क्या की जाती है, उसे ट्रेन किया जाता है और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे मॉडल को पहले ट्रेन किया, डेटा देके अब टेस्ट करने की बारी है। जैसे ये इमेज आई तो हमारी जो हमारा मॉडल है जो इसको कैट कह रहा है, और जैसे ये इमेजेस आती हैं इसको नॉट कैट कह रहा है। ठीक है, कैट एंड नॉट कैट के केस में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इनको नॉट कैट कह रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा बेसिकली ML मॉडल काम करता है जिसमें हम डेटा देते हैं, उसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, उन फीचर्स की बेस पे वो क्लासीफाई करता है कि एक्चुअली दैट इज कैट और दैट इज डॉग और नॉट कैट। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग इज अ कंप्यूटर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा। बेसिकली मशीन लर्निंग हमारे पास जो होती है ये डेटा से लर्न करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कैट एंड डॉग का हम सबसे पहले डेटा देंगे, हमारा ML एल्गोरिदम उस पर ट्रेन होगा, फिर हम टेस्टिंग के लिए इमेजेस भेजेंगे और वो बताएगा ये कैट है या नहीं है। ठीक है, मतलब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन, फिर उसकी बेस पे जिस पे वो ट्रेन होगा, अगर अच्छा डेटा होगा, अगर करेक्ट डेटा होगा तो वो अच्छी आउटपुट देगा, एक्यूरेसी उसकी हाई होगी, अगर अच्छा डेटा नहीं होगा तो एक्यूरेसी उसकी लो होगी। तो मतलब वो उसकी बेस पे प्रिडिक्ट कर रहा है जिस डेटा पे वो ट्रेन है। इवॉल्विंग इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। जो बेसिकली ML एल्गोरिदम्स होते हैं ये एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं होते, मतलब कि हार्ड कोर नहीं किए होते, इसको इम्प्लिसिटली प्रोग्राम किया जाता है ताकि जैसे जैसे उसके पास डेटा आता जाए फिर वो वक्त के साथ साथ वो क्या करता जाता है, लर्न करता है हमारा एल्गोरिदम और उसकी एक्यूरेसी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती रहती है। जैसा कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, एक आप ऐसे कह लें कि एक स्टूडेंट था, उसने गेम बनाई थी जो कि एक कार बनाई थी जो कि रोड पे ऑटोमेटिकली क्या करती थी, मूव करती थी। बेसिकली उसमें एल्गोरिदम क्या था, जब भी कार किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगी तो वो क्या करेगी, वहां से लर्न करेगी। जैसे कि अगर ट्री आ रहा था, अगर एक दफा वो उस ट्री के साथ टकराई है तो वो लर्न करती थी, दोबारा उस ट्री के साथ नहीं टकराती थी। ठीक है, या जो फुटपाथ होता है उससे टकराती थी तो वो गेम में एक्चुअली थी, तो वो मतलब इस तरीके से वो लर्न कर रही थी एवरी टाइम। और एक टाइम पे वो इतनी परफेक्ट जो कार है वो गेम में मूव कर रही थी कि
मतलब बहुत हाई स्पीड से और बिल्कुल किसी चीज से वो टकरा नहीं रही थी। तो बेसिकली उसकी बेस पे या बिहाइंड पे मशीन लर्निंग अप्लाई की हुई थी, जहां पे वो खुद ब खुद क्या कर रही थी, लर्न कर रही थी, एल्गोरिदम लर्न कर रहा था, इम्प्लिसिटली उसे प्रोग्राम किया हुआ था। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वो परफेक्ट जो क्या होगी है, लर्न होगी। तो बेसिकली मशीन लर्निंग एक्चुअली हम मशीन को सिखा देते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लर्निंग करता रहता है। जैसे इंसान होता है ना, वक्त के साथ साथ सीखता रहता है जो जो गलतियां करता है, तो सिमिलरली हमारी मशीन भी करती है। तो यहाँ बेसिकली ये स्टेटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो कि हमारी प्रेडिक्शन में हमें काम करते हैं कि एक्चुअली ये कितना एग्जैक्ट बेसिकली हमें रिजल्ट दे रहा है। आगे हम मूव करते हैं मशीन लर्निंग की एक और छोटी सी डायग्राम, फिर मैं डीप लर्निंग समझाऊंगा और इनके दरमियान हम कंपैरिजन भी करेंगे। मशीन लर्निंग में एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास इनपुट आती है, एक फीचर इंजीनियर होता है जो कि जितनी भी कार या डेटा की फीचर्स होती हैं उनको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद क्लासीफायर होता है। उन फीचर की बेस पे हमारे पास क्या होती है, जो भी हमारे पास टेस्ट के लिए इनपुट आती है वो क्या होती है, उसको देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्लासीफायर ट्रेन इन फीचर्स पे होता है जो फीचर इंजीनियर ने दी होती हैं, जैसे कि कार की फीचर क्या होगी, उसके गोल टायर होते हैं, उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है, उसकी हेडलाइट की शेप गोल होगी या कर्व होगी या कैसे, मतलब जितने भी एजेस होंगे ये फीचर एक्सट्रैक्टर क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके क्लासीफायर को उस पर ट्रेन कर दिया जाता है। फिर जब भी इमेज आती है, फिर वो उस जो फीचर इंजीनियर ने फीचर्स दी होते हैं उनकी उनकी बेस पे वो क्या करता है, क्लासीफायर क्लासीफाई करता है कि ये कार है, बस है या क्या चीज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक पाइपलाइन होती है, इनपुट आती है, फीचर एक्सट्रैक्टर होता है, एक फीचर इंजीनियर होता है, एक पर्सन होता है जो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, क्लासीफायर को देता है, और फिर प्रेडिक्शन होती है मशीन लर्निंग के केस में। अब हम देखते हैं कि बेसिकली डीप लर्निंग क्या होती है। अच्छा, डीप लर्निंग एक्चुअली हमारे पास इंस्पायर्ड है न्यूरॉन से, ठीक है। न्यूरॉन को समझना बहुत जरूरी है नौ के न्यूरॉन्स क्या होता है, तो थोड़ी सी मैं आपको पहले न्यूरॉन्स के बारे में बताता हूँ, फिर हम इस जो बल्कि हमारे पास डेटा इस पे आएंगे या डेफिनेशन है इस पे आएंगे। न्यूरॉन्स बेसिकली यहाँ पे मैंने एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स बनाया हुआ है और एक मैंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया हुआ है। थोड़ा सा आपको बताता चलूं, जो हमारे पास डीप लर्निंग है ना, ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पे वर्क करते हैं, इसमें मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है और डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ही काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का मतलब है जो हमारे दिमाग में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो वर्क करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, आउटपुट देते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर हम इस पे आएंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो है आया कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया या किसी और तरीके से बनाया, आई होप आप गेट कर रहे होंगे। बेसिकली हमारा जो न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होता है ना, इसमें बेसिकली यहाँ पे जो एजीज होते हैं छोटे छोटे, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि बेसिकली इनपुट का काम करते हैं। बेसिकली ये जितनी भी ये शाखें आप देख रहे हैं डेंड्राइट्स, ये बेसिकली इनपुट को गेट करते हैं, उसके बाद हमारी जो इनपुट प्रोसेस होते हुए इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन आउट होती है। बेसिकली क्योंकि मल्टीपल मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में मिले हुए होते हैं, तो यहाँ इस जगह पे जो इनपुट आती है ये किसी और न्यूरॉन्स की हो सकता है, आउटपुट यहाँ पे आके इनपुट बन रही हो, फिर वो प्रोसेस होती है और यहाँ पे आउटपुट हो जाती है, ठीक है। जो कि ये बेसिकली एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, बेसिकली इनपुट आती है, प्रोसेस होती है और आउटपुट। सिमिलरली हमारे पास जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है इसमें क्या होगा, हमारे पास इनपुट आती है, कुछ उनके साथ वेव्स होते हैं उस इनपुट के, ठीक है। वो वेव्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप ये कह लें कि प्रोसेस होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, ये क्या होते हैं ये बाद में देखेंगे, यहाँ पे आप यही समझे प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है और आउटपुट आती है। सिमिलरली जैसे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स काम करता है, वैसे ही हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन काम करता है, जो कि डीप लर्निंग जिससे इंस्पायर्ड थी, ठीक है। कि हमारे पास इनपुट होगी, जैसे कि मल्टीपल इनपुट यहाँ पे आती है डेंड्राइट्स के जरिए, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इनपुट आएगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, उसमें बायस वगैरह ऐड होगी या जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, इनपुट और वेट्स भी होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे,
उसके बाद ऐड होंगी जो 22, ये आप जो भी सम होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा और आउटपुट आएगी। ये दोनों मतलब के हमारे पास, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास डीप लर्निंग में जो न्यूरॉन्स हैं ये फुली इंस्पायर्ड है बायोलॉजिकल न्यूरॉन से। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि डीप लर्निंग इज अ स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट एम्प्लॉय आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर ऑफ लर्न एंड रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स पैटर्न इन डेटा। मतलब हमारे पास जो डीप लर्निंग है ये मशीन लर्निंग का सबसेट है, ये हमें ऑलरेडी पता था। और बेसिकली इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, या आप ये कह लें कि वो जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मल्टीपल्स होते हैं, जिसमें मतलब के नंबर ऑफ जो न्यूरॉन्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ये बेसिकली सारे के सारे हमारे पास ये इनपुट आ गई, ये हमारे पास न्यूरॉन्स आ गए, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी, तीन कैटेगरी हैं, डॉग, बर्ड और हमारे पास कैट, ये तीनों में से हमारे पास एक आउटपुट हमारी होगी अकॉर्डिंगली। तो मतलब ये मल्टीपल न्यूरॉन्स जिस तरह हमारे दिमाग में आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे इनका भी नेटवर्क बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसकी बात वो कर रहा है कि यहाँ पे लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, दीज न्यूरल नेटवर्क आर इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मैंने ये भी बात समझा दी कि डीप लर्निंग में जो न्यूरॉन्स इस्तेमाल होते हैं बेसिकली ये इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से एंड आर कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली लर्निंग हायरार्किकल फीचर फ्रॉम रॉ इनपुट डेटा। अच्छा, ये बात आपको समझाने के लिए कि बेसिकली ये ऑटोमेटिकली लर्निंग हायरार्किकल फीचर्स जो ऑटोमेटिकली लर्न होते हैं डीप लर्निंग में, बट हमने मशीन लर्निंग में क्या कहा था कि फीचर जो है हमारी एक पर्सन एक्सपेक्ट करता है इनपुट से। बट डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में बेसिकली यही फर्क है कि हमारे पास जो डीप लर्निंग है ये फीचर एंड क्लासिफिकेशन सेल्फ खुद सेल्फ करती है, मतलब ऑटोमेटिकली करती है, इसमें पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। इनपुट आई, उसके फीचर एंड क्लासिफिकेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन हमारे नेटवर्क का ही काम होता है, एंड देन हमारे पास क्लासिफिकेशन हो जाती है। यहाँ से बेसिकली हमने फीचर इंजीनियर को हटा दिया डीप लर्निंग, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डीप लर्निंग। ये इसमें जो फीचर्स हैं मशीन लर्न कर रही है और बहुत अच्छे से, इसमें एरर रेट बहुत कम होता है कि फीचर वो जो काम की होंगी वो सेल्फ पे वो क्या कर लेगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगी, एंड दिस इज फैंटास्टिक जो कि हमारे पास डीप लर्निंग है। इसमें हमें डेटा तो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है जो डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में कंपैरेटिवली हमें कम डेटा रिक्वायर्ड होता है, डीप लर्निंग में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें टेस्टिंग जो मुश्किल होती है मशीन लर्निंग में, और डीप लर्निंग में जो है जो ट्रेनिंग का टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, मे बी घंटों में ट्रेन हो हमारा मॉडल, हो सकता है दिन लगे, मतलब कोई 5-7-10 दिन और महीने भी इवन लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। तो दिस वॉज द डिफरेंस एक्चुअली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, कि यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन एक ह्यूमन करता है और यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन मशीन ही करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डीप लर्निंग की डेफिनेशन थी जिसको हमने देखा, और हमने बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरॉन को डिस्कस किया, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। आई होप आपको ये नेटवर्क जो है जिसमें हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं, इसको मैंने वर्बली आपको बता दिया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ों को डील करेंगे और देखेंगे, और आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग, और मैंने इसको समझाने की कोशिश की, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दी, एंड आई होप आपने गेट किया होगा। और जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग है इसमें कैंसर वगैरह, ट्यूमर वगैरह जो डिटेक्शन होती है, बायोलॉजिकल इमेजिंग में बहुत ज़्यादा यूज है इनका, और हमारी मेडिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा एज है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इस पे मैं स्पेसिफिकली भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप मेरे इस काविश को अप्रिशिएट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस लेक्चर को लाइक करके और नीचे कमेंट करेंगे अच्छा सा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कमिंग लेक्चर में।